Bach Jewelers, timeless jewelry for generations. Welcome to Glam & Shine with Rashmi Bedi. Our guest today is versatile Bollywood actor Rajkumar Kanojia. Hello. 1 2 3 1 2 3. Mic testing. Mic testing. Hello. Hello. अरे राजू कितना क्या बजे इंदा रज जैकेट देख लग रही है ये पिटागी हाँ मैंने ऑर्डर करा है वो लाल कोट वो खड़े हाँ खड़े जी भाई जी सुन देख तेरे ससुराल वाले नहीं फौजी बैकग्राउंड के आर्मी ठीक है अरे घर वाले देख रहा मेरी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ी है अरे साला मेरा राजू हेलो थोड़ा भी तो इंट्रोडक्शन देगा ना मेरा पूरा इंट्रोडक्शन 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 ओके सर आई गॉट इट हैं आई गोइंग यू वाचिंग तो जो देगा ना ये पूरा इंग्लिश में देना है ठीक है चल जा दरबार ठीक कर चल फादर मदर एंड सिस्टर टुडे इज हैप्पी डे आवर फ्रेंड ब्रदर सोनू सरोवर इज मैरिजिंग टू आवर फ्रेंड सिस्टर डॉली सो प्लीज क्लैपिंग हाँ तो भाइयों और बहनों हमारे अपने सोनू भैया की शादी के लिए खास तौर पर पेश है वो हसीन मोहतरमा जिसके सामने न चलता है फिल्मी दुनिया का फैशन और न ही चलता है आप जैसे दीवानों का पैशन तो भैया दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आ रही है आपके मन को लुभाने आपकी अपनी मिस रागिनी 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 Welcome to the show, Rajkumar ji. How are you? I'm fine, good. Thank you, Rashmi, for having me. Thank you so much. It's a pleasure to have you. आज आपसे बात करने का मौका मिला है. And all of our USA and Canada viewers are very happy कि आज Rajkumar ji हमारे show पे आ रहे हैं. So, Rajkumar ji, मैंने आपका introduction तो as an actor किया, but मुझे पता आप गाते भी बहुत अच्छा हैं. बिल्कुल. जी. So, एक शुरुआत आपके गाने से की जाए फिर. ठीक है एक रैप सॉन्ग है मैंने खुद ने बनाया है जिसमें बहुत से लैंग्वेज मिक्स है तो कुछ इस तरीके से हे यू कितना लंबा अंग जो नालो खरो है मुझे नालो रजु हुआ है खोर कपे तो तल मदर को खपे तो मुके ना खम मुके अंदर चिट्टी और वाई सरवाई सरवाई सरी इंगे बान नल्ला पर पाई गुर को चना पो ए आई तू हंगा जो मक जब वाला मक कौटा हान मक पानी पास जा अंचा I need to say my name is Raju, Raju बन गया जेंटलमैन जेंटलमैन क्या बात है फैंटास्टिक यू आर अमेजिंग राजकुमार जी और मैं चाहती हूँ कि आज हमारे शो पे आए तो प्लीज शेयर योर जर्नी विद आवर व्यूअर्स आई वुड रियली लाइक टू नो हाउ योर इंटरेस्ट इंक्लाइन टुवर्ड्स एक्टिंग एक्चुअली एक्टिंग हैज स्टार्टेड राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड Okay. I used to do plays in school, then inter school, then college, then inter college, and thereafter joining professional theatre with Sanjana Kapoor, Makarand Deshpande, Prithvi Theatre. Uh-huh. And that's how my journey started. Then films, that's it. Wow, that's it. नहीं आपके तो सफर बहुत लंबा है आपने कितना थिएटर में काम किया है उतनी आपने सीरियल्स की हैं उतनी आपने मूवीज की हैं और उतने ही इंटरनेशनल मूवीज भी की हैं बिल्कुल so your graph is going higher and higher. जी फिल्में ज्यादा की हैं और अभी मेरी फिल्में 40 के ऊपर हो गई है लगभग और मैंने एड फिल्म ज्यादा की है मेरी मेन पहचान एडवर्टाइजमेंट की वजह से है काफी सारे विज्ञापन में दिखता रहता हूँ अभी भी मेरे 3 ऑन एयर है टीवी पर सो आपके फैमिली में था एक्टिंग का और यू वर द वन टू स्टार्ट इन दिस फील्ड या दैट्स राइट और मैं ही अकेला हूँ कोई नहीं मेरे खानदान में दूर दूर अब तक कोई आ भी नहीं रहा है और मेरा कोई गॉडफादर भी नहीं है सो आपको क्या लगता है ऐसे अपनी जगह बनाने में अपनी पहचान बनाने में बॉलीवुड में दिक्कत होती है या इट्स इजी लाइक मेरा मानना बैकग्राउंड या नहीं नहीं मेरा मानना है कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी फील्ड में बशर्ते अगर आपके अंदर अपने काम को लेकर के लगन शिद्दत और इबादत हो बिल्कुल दैट इज एब्सोल्युटली राइट और बहुत अच्छा कहा आपने एंड this always inspire the youth that
इफ यू हैव अ पैशन एंड यू आर हार्ड वर्किंग यू आर डेडिकेटेड एंड ऑफ कोर्स लक तो हर कोई एक्टर कहते हैं कि थोड़ा सा मैटर करता है ये बॉलीवुड में तो इट रियली हेल्प्स. तो आपका जब आप स्टेज पे आते थे तो यू यूज टू बी नर्वस और लाइक हाउ इट यूज टू बी? ऑफकोर्स आपका शौक तो था, आप करना चाहते थे, बट क्या आप घबराते थे स्टेज पे आने में या यूज टू बी वेरी कॉन्फिडेंट? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वो एक बटरफ्लाई वाला घबराहट तो रहना भी चाहिए एक एक्टर को. आज भी मुझे जब मैं कैमरा फेस करता हूँ या स्टेज पे जाता हूँ, वो एक गुदगुदी, एक घबराहट, वो तितली जो अंदर मतलब उड़ रही है, ऐसा लगना भी चाहिए. क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो हमको जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है एज एन एक्टर, हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं टूवर्ड्स आवर टैलेंट. और वो लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है, और फिर एक बार जब हम उस डर पर विजय पा लेते हैं, काबू पा लेते हैं, तो फिर मक्खन जैसे निकलता है, फिर चाहे हम कोई भी प्लेटफॉर्म में हो तो अच्छा हो जाता है, फिर आसान सहज हो जाता है एक्टिंग करना, और डर अभी भी लगता है. ओके, सो जब आप आए उसमें अपना टेलीविजन में और मूवीज में, बट उसके पहले आपने अपना थिएटर भी काफ़ी किया, सो डू यू थिंक इट हेल्प्स एन आर्टिस्ट if they want to pursue in the field of acting in television or movies? जी बिल्कुल, थिएटर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज स्टेपिंग स्टोन. और सच में थिएटर से आपको बहुत सी चीज़ों की मालूमात होती है, बहुत इल्म मिलता है. थिएटर आपको बहुत कुछ सिखाता है, और डिसिप्लिन सिखाता है आपको, आर्टिस्टिक टेक्निकल नो हाउ सिखाता है, और वी बिकम साउंड एज एन एक्टर. So theater really helps you a lot. It polishes you. I'm saying, or retakes bhi nahi hai wahan to. Mehnat bahut zyada hai. You have to be perfectionist. अगर in short कहूँ तो हर एक actor, मेरा मानना है acting जन्मजात होता है, by birth होता है, by default होता है. लेकिन theater तराशता है, polish करता है, और फिर वो निखरता है तो हीरा बनता है. It's basically a workshop, you can say. casting director, he has watched my monologue performance and he just cast me. So that's how I got my first break, and that was I was doing theater. After 5 years, I got break. But आपकी शुरू से सोच थी कि मुझे बॉलीवुड में जाना है जब आप थिएटर्स में गए थे थिएटर करने? जी, मैं एक्चुअली स्कूल में ही मैंने अपना मेडअप कर लिया था माइंड कि दिस इज वॉट आई हैव टू डू. बस मोर ऑफ लाइक बस यही करना है और कुछ नहीं करना है मुझे. और फिर हम यही परस्यू करता गया, और फिर मैं स्कूल में चूंकि मैं प्ले करता था तो वहां से मुझे रास्ता मिलता गया, और अपने आप हो गया सब कुछ चमत्कार. वाओ, सो हु हैड बीन योर रोल मॉडल इन योर जर्नी? एंड आपको इंस्पिरेशन तो होगी, ऑफ कोर्स आपका इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड नहीं था पीछे, बट स्टिल आप जब सीखते होंगे करते होंगे तो आप किससे इंस्पायर होते थे? मैं मकरंद देशपांडे से बहुत इंस्पायर्ड हूँ. बहुत मतलब मकरंद देशपांडे रिनोन्ड थिएटर डायरेक्टर, इमिनेंट थिएटर पर्सनालिटी, फिल्मों में बहुत आते हैं, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ. वो मेरे गुरु भी हैं, और आज जो कुछ भी उन्हीं की बदौलत हूँ मैं. वाओ, दैट इज सो नाइस. और मुझे लगता है जब गुरु मिल जाता है तो रास्ता बहुत आसान हो जाता है. दैट्स व्हाट इट इज, एंड ही कैन ऑलवेज गाइड यू इन अ राइट पाथ. तो आपका जो मूवीज का सफर रहा, टेलीविजन का रहा, बहुत वेराइटी ऑफ रोल्स किए आपने, बट वॉट यू फील इज मोर चैलेंजिंग? लाइक कैसा आपको लगता है कि दिस इज अ टास्क? रश्मि, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लेटफॉर्म तो सारे एक होते हैं, फिर चाहे वो थिएटर हो, फिल्म हो, सीरियल हो, बस खाली रोल्स अलग अलग होते हैं. रोल्स को हम लोग कैसे उसको कंसीव करते हैं वो चैलेंजिंग होता है. हमारा किरदार चैलेंजिंग होता है, हमारा कैरेक्टर पोर्ट्रेट कैसा करना है वो चैलेंजिंग होता है. तो जब कोई अलग कुछ डिफरेंट, जो कि ज़्यादा सोसाइटी में देखने को नहीं मिलते हैं, या फिर वो कैरेक्टर है ही नहीं, मर चुके हैं कोई, या जब किसी बायोपिक करके ऐसा कुछ होता है, तो ऐसे टाइम पे वो चैलेंजिंग हो जाता है कैरेक्टर पोर्ट्रे करना कहीं भी, कोई भी प्लेटफॉर्म में, फिर चाहे वो वेब सीरीज हो, टीवी हो, फिल्म हो, तो एवरी कैरेक्टर इज अ चैलेंजिंग.
ऑफ कोर्स, बट फिर भी कॉमेडी है या नेगेटिव रोल्स है, व्हाट इज मोर लाइक, आप इतना कुछ आपने किया है तो आपको क्या लगता है कि दिस बिकम डिफिकल्ट टास्क, या ये ऑफ कोर्स जैसे कि कुछ रोल्स होते हैं जो इजी होते हैं लेकिन कुछ तो चैलेंजिंग होते ही है कि आपको लगता है इसमें मेहनत करनी पड़ेगी या इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा? बिल्कुल सही, देखिए मैंने ज्यादातर अब तक कॉमेडी की है और मेरा मानना है कॉमेडी ज्यादा डिफिकल्ट होती है कंपैरेटिवली टू सीरियस रोल्स। इनफैक्ट मुझे सीरियस रोल या नेगेटिव रोल करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत बहुत इट्स वेरी सिंपल फॉर मी यहाँ तक है, लेकिन जब मैं कॉमेडी करता हूँ तो बहुत डिफिकल्ट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके पीछे, टाइमिंग के ऊपर वर्क करना पड़ता है, हमारे शब्दों का उच्चारण कैसे होगा, कहाँ हमको तालियां बटोरनी है, कहाँ लाफ्टर बटोरना है, उसके ऊपर एक डिटेलिंग करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जा करके हम दूसरों को हंसा पाते हैं। तो कॉमेडी इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, तो हमारे व्यूअर्स को भी कुछ हंसा सकते हैं आप, चार लाइनें सुना दे तो? जी कॉमेडी में एक डायलॉग सुनाता हूँ, मैंने कुछ साल पहले मैंने एक फिल्म की थी पैयाना, एक फिल्म की थी तमिल फिल्म थी, तो उसका एक डायलॉग था वो बहुत फेमस था। पहले मैं हिंदी में, तमिल में मैं सुनाऊंगा डायलॉग, लेकिन उससे पहले मैं उसमें हिंदी में आपको उसका ब्रीफ बताता हूँ, बैकड्रॉप बताता हूँ क्या है। ये था कि मैं उसमें हनुमान बना था, तो मेरे जैसे दुबला पतला हनुमान लाल लंगोट पहन के सीता माई के है और बोलता है सीता माई मैं भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझे भेजा है और ये अंगूठी है, तो प्लीज आप चलिए मेरे साथ, मैं रावण के चंगुल से आपको छुड़ा गया। तो अब उनको रश्मि बहुत लाउड एक्टिंग करनी पड़ती, वहाँ सटल एक्टिंग आज भी नहीं चलता, ओवर द टॉप करना पड़ता, तो वहाँ कैसे ने के कैसे परफॉर्म किया, आपको यकीनन लैंग्वेज नहीं समझेगा, बट लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर, परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। ऑफ कोर्स इन्होंने पैरा हनुमान हो अरे राम का भक्त ना ये और राक्षस ना नी सीता में लंगर कुछ वचर गया நானா ரமண தூதனா நானா ரமண உருவத்தை கொண்டு வந்தக்கனா வெள்ள கண வெள்ள போ இப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க வாவ் क्या बात है। अब देखिए इंडिया में क्या टाइम है और आपकी एनर्जी फुल बैंग ऑन, इट्स सो नाइस एंड द वे यू आर प्रेजेंटिंग इज वंडरफुल, वाह बहुत बहुत बढ़िया, इसीलिए आपको सब बहुत प्यार करते हैं और आपकी फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है एंड दे से यू आर द बेस्ट, इट्स अमेजिंग। यू हैव वर्कड इन नॉर्थ एंड साउथ बोथ राइट, सो व्हाट डिफरेंस यू फील इज इन बोथ द इंडस्ट्री? टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, South people are much more professional, very disciplined, and मजा आता वहाँ काम करने का सच में, वो लोग मतलब इनफैक्ट आई वुड रादर से दे आर, क्योंकि मैंने हॉलीवुड में भी काम किया है, इंटरनेशनल फिल्म में की है, आई वुड रादर से South people are much more professional than Hollywood people, और मजा आता काम करने में। I should actually ask you Hollywood, Tollywood and Bollywood, किसमें ज्यादा मजा है? एक्चुअली ये मुझे पूछना चाहिए था, इस ट्रायो में कौन सा बेस्ट है? सबसे ज्यादा मजा अगर पैसा और प्रोफेशनलिज्म देखे तो यहाँ पर आता है मजा साउथ में, और अगर टैलेंट को देखे कि जहाँ पर टैलेंट निकालने का मौका मिलता है तो वो इंटरनेशनल फिल्मों में, वहाँ पर वाकई हम लोग को पूरा बहुत हम लोग को काफी समय दिया जाता है अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करने को, अपने किरदार पर काम करने के लिए, तो इसलिए वहाँ ज्यादा मजा आता है, और बाकी सब जगह फास्ट फास्ट होता है, तो जहाँ समय देते हैं वहाँ आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि सब टाइमिंग का खेल है। So true, absolutely right. So आपको अवार्ड भी मिला था 96-97 में, you got best actor award, उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करिए प्लीज, एंड हाउ वाज योर फीलिंग एट दैट टाइम? वो मुझे थिएटर के दौरान मिला था, और वो स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में महाराष्ट्र में, तो उस उपलक्ष्य में मिला था, तो वन एक्ट प्लेस कॉम्पिटिशन हुआ था, तो उसमें मुझे एक मैंने प्ले किया था जो कि मोनोलॉग परफॉर्मेंस था, एक पागल की कहानी थी, तो हाँ एक पागल की कहानी थी, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से एक और एक बता दूँ आप लोगों से शेयर करूँ कि वो जिसको मैंने जिया था, जिसका किरदार मैं निभाया, तो पागल मेरे यहाँ आसपास ही रहता था, तो उसको ऑब्जर्व किया, फिर एब्जॉर्व किया और अपने तरीके से एक्सप्लोर किया था स्टेज पर, तो मुझे उसका अच्छा फीडबैक मिला। इट्स अ टफ टास्क टू बिकम एन एक्टर, मुझे लगता है बहुत टाइम, बहुत कुछ उन्हें ऑब्जर्व, यू हैव टू बी अ कीन ऑब्जर्वर टू गिव योर बेस्ट,
आपको वो चीज लानी पड़ती है और उस किरदार में आपको जाना पड़ता है. इट्स रियली नॉट अ इजी टास्क. हाँ, यू सेड अ गुड स्क्रिप्ट राजकुमार जी. जब आप कुछ कह रहे थे. हाँ, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बिकॉज एक्टिंग इज नथिंग बट रिएक्टिंग टू द सिचुएशन एज पर द स्क्रिप्ट डिमांड्स. जी, ऑफ कोर्स. दैट वी नीड टू बी अ वेरी कीन ऑब्जर्वर. एक्चुअली सो मच टू नो फ्रॉम यू. योर जर्नी इज ब्यूटिफुल और आप इतने टैलेंटेड हैं और मैं रियली चाहती थी कि आप अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करें व्यूअर्स के साथ, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु वॉन्ट टू परस्यू द करियर एज एन एक्टर. So that is the reason I have so many questions to ask from you. आपका कैसे आप स्क्रिप्ट को पिक करते हैं? When you get a script, how you select it? Like this is a good role for me because it really gives an impact on your career. You know how you are doing, कैसे आपका role है और आपने कैसे present किया है. So I really want to know about that. देखिए, अभी चूंकि मुझे इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, तो ज़्यादातर लोग पहचान वाले ही मिलते हैं या फिर जो आपके साथ काम कर चुके हैं वो लोग ही अप्रोच करते हैं. तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले वो लोग स्क्रिप्ट सुनाते हैं कि ऐसा कुछ कैरेक्टर है ये वो, फिर बाउंड स्क्रिप्ट मिलता है जो कि बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी अभी जा करके मिलने लगे बाउंड स्क्रिप्ट. तो हम पढ़ते हैं अच्छे से और अपने किरदार को निभाते हैं और फिर म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन पे चलते हैं कि भाई डायरेक्टर की आधी सुनते आधी हमारी सुनते और दोनों की सुन करके एक नया कुछ किरदार को हम लोग जन्म देते हैं. तो इस तरीके से मैं अप्रोच करता हूँ अपने कैरेक्टर को लेकर और एक स्केच बनाते हैं, सोचते कि क्या होगा, कैसा होगा, इसके नुएंसेस क्या होंगे, कैसे वो चलेगा फिरेगा, उसके संवाद कैसे होंगे, कैटरीज कैसे होंगे, मैनिजम्स क्या होगा, कपड़े कैसे होंगे, मेकअप कैसा होगा, क्या गेटअप होगा, लुक पे फिर डिसाइड होता है. तो इसका लेकिन वो सब सबसे मिलजुल कर होता है. हाँ, ऑफ कोर्स अधिकांश आइडिया हमारा ही होता है, उसमें मैं ही योगदान ज्यादा देता हूँ कि आफ्टर ऑल कैरेक्टर को मैंने जाना समझा तो अच्छे से जस्टिस नहीं कर पाऊंगा. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट. एंड इट इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू, नो फ्रॉम यू. इज ग्रेट द वे यू हैव शेयर्ड योर जर्नी. मुझे लगता है माई व्यूअर्स बहुत कुछ सीख पाए होंगे और जान पाए होंगे आपसे सुन के. एंड आई नो दिस टाइम इज टू शॉर्ट और समय की कमी के कारण वील एंड हियर, बट आई वुड लाइक कि आप फिर से अगर आपके पास वक्त है तो हमारे शो पे आइए और हमारे व्यूअर्स को कुछ सिखा पाएंगे तो मेरे बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू सो मच. Thank you very much, Rashmi, for having me. And once again, I would like to thank Gaurav Tiwari for giving me this opportunity for this interview. Thank you. It was great talking to you. Thank you. And take care. मैं हूँ रश्मि बेदी. हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माई ड्रीम टीवी USA और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ड्रीम टीवी USA.